दूसरी एक कहानी है शिया की, जो कि अपनी ही गेमिंग कंपनी TIG का सीईओ है, एंड शिंग की, जो कि इसी की कंपनी की ही एक इम्प्लॉई है। शिंग इस कंपनी की वाहिद इम्प्लॉई है जिसे शिया ने जस्ट उसके नेम की वजह से ही हायर किया था, क्योंकि उसके नेम का मतलब लकी जो था, सो वो उसकी कंपनी का लकी चार्म ही थी। शिया को जहाँ कहीं भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना होता है या उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ शिंग को ही बुलाया करता है। इस बात से तो वो कभी कभी चिढ़ भी जाती है कि ये क्या हर वक्त मुझसे ही सारे काम करवाता रहता है। बट अब वो बॉस था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। शिया की कंपनी गेम्स की वजह से काफ़ी फेमस थी, एंड आज ही शिंग को एक कॉलीग के थ्रू पता चलता है कि शिया बॉस एक और लव गेमिंग प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करवा रहे हैं। अगर उन्हें इस गेम को लेकर बाकी पीपल्स के प्रपोजल्स अच्छे ना लगे तो वो फिर अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को भी ऑडिशन देने की इजाज़त दे देंगे, एंड इस तरह उसे जिस एम्प्लॉय का प्रपोजल अच्छा लगेगा सो वही इस न्यू प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया जाएगा। शिंग गेम प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, सो वो ऑडिशन देने का सोचती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिया शिंग को अपने साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क पर लेकर आया होता है। यहाँ पर शिया को CEO चेन की डील पसंद नहीं आती, तो वो भी फिर उससे एक शर्त लगाता है कि ठीक है चलो हॉर्स राइडिंग करते हैं, जो जीतेगा उसी की कंडीशंस एंड डील एक्सेप्ट की जाएगी। अब शिया तो फिर इन द एंड जीत जाता है। अब मिस्टर चेन को उसी की कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। रास्ते में शिंग शिया से नए प्रोजेक्ट के प्रपोजल की बात करती है, एंड उसे अपना पहला क्राफ्ट दिखाने ही लगती है कि तभी उसकी टक्कर कार से होते होते बचती है, और उसे बचाने वाला शिया ही था। अब फिर शिंग उसे थैंक्स कहती है। लव गेम प्रपोजल को लेकर शिया उसे बस इतना ही कहता है कि जब तक तुम खुद लव एक्सपीरियंस से नहीं गुजरती हो तब तक इस प्रोजेक्ट को भूल ही जाओ। अब तो शिंग फिर डेट करने के बारे में सोचने लगती है, एंड बाद में जीजी के थ्रू शिया को पता चलता है कि शिंग तो ब्लाइंड डेट पे गई है। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। दूसरी तरफ शिंग मॉम की अरेंज की गई ब्लाइंड डेट पर आ गई होती है। यहाँ पर शिंग एंड चुनैन दोनों को ही एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ काफ़ी पसंद आई थी। अब शिया तो शिंग को कॉल करके जल्दी से ऑफिस में आने के लिए कहता है। चुनैन को जब शिंग अपने ऑफिस जाने का बताती है तो वो बाकायदा खुद उसे वहाँ तक ड्रॉप करता है, एंड साथ में नेक्स्ट टाइम मिलने का प्लान भी बना लेते हैं। शिया खुद तो एक काम से बाहर आया हुआ था। वो शिंग के डेट पे जाने से इसलिए परेशान था कि कहीं उसका लकी चार्म उससे दूर ही ना हो जाए। शिया खुद भी तकरीबन एक ब्लाइंड डेट पे ही आया था। इस वक्त उसे उसकी सिस्टर शेन किंग की कॉल आती है। अब ये लड़की समझती है कि शायद ये इसकी गर्लफ्रेंड है, सो इसलिए वो शिया को ही बुरा भला कहती वहाँ से चली जाती है। और इन सब बातों का खैर शिया पर तो कोई असर ही नहीं होता। शेन किंग दूसरी सिटी में थी, एंड बहुत जल्दी अब वो वापस आने का शिया को बता देती है। ऑफिस में आकर कोलीग से जब शिंग को पता चलता है कि शिया साहब कब के यहाँ से जा चुके हैं और ना ही कोई यहाँ इम्पोर्टेंट काम था, इस बात से उसे शिया पे बहुत गुस्सा आता है कि मुझे झूठ बोल के उसने ऑफिस क्यों बुलवाया। अब वो फिर अपना गुस्सा उसे कॉल करके निकालती भी है। शिया को लग रहा था कि शायद शिंग की डेट खराब हो गई है, बट वो उसे झूठ बोल देती है कि अब मैं रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ। इस बात से वो तो फिर काफ़ी सरप्राइज होता है। अब अगले सीन में हमें शिया के एक फ्रेंड ही यू को भी दिखाया जाता है। वो शिया के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता था, बट उसे तो इसके बनाए गए प्लान्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो वो उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। नेक्स्ट डे फाइनली ऑफिस में शिंग अपना प्रपोजल दे देती है, जो कि सबको काफ़ी पसंद आता है। शिया ने उसकी प्रेजेंटेशन पर कोई रिस्पांस नहीं दिया था, सो वो उसे खूब बुरा भला कहती है, जो कि पीछे खड़ा उसकी बातें सुन लेता है। अब तो शिंग फिर उससे अपोलोजाइज करती है। जब उसे पता चलता है कि उसे न्यू प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया गया है तो वो इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है। बाद में शिया को पता चलता है कि शिंग एंड चुनैन में अभी तक कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। वो जानबूझ के उसका फ़ोन लेकर उसे मैसेज कर देता है, जो कि वो रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इस बात से शिंग बहुत खुश हो जाती है। शिया हैरान होता है कि देखो इसका काम बिगाड़ते बिगाड़ते उल्टा इनका मिलन करवा बैठा हूँ। अब चुनैन जब शिंग को लेने आता है तो तब शिया उसे देख लेता है,
एंड यहाँ पर उसे ये देख कर काफ़ी शॉक लगता है कि चुनैन तो उसकी सिस्टर शैन किंग का बॉयफ्रेंड है एंड वो अब शिंग से फिर डेटिंग क्यों कर रहा है। अब फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुनैन बाकायदा शिंग को मूवी दिखाने लेकर आया होता है। शिंग का यहाँ आना फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, वो अक्सर शिया के साथ यहाँ आती रहती थी। दूसरी तरफ शैन किंग अब होम टाउन वापिस आ गई होती है। अब फिर शिया के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसका चुनैन से ब्रेकअप हो चुका है। शैन किंग ऑलरेडी ही डाइवोर्स्ड वुमेन थी, सो इसलिए उसे चुनैन की मॉम ने पसंद नहीं किया था क्योंकि उसका एक बेबी भी था। इस बात से शैन किंग काफ़ी दुखी भी होती है। शिंग एंड चुनैन नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं और वो भी चुनैन के घर पर ही। शिंग के मॉम डैड ओपन माइंडेड पीपल्स थे, उन्हें तो अपनी बेटी के कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई हुई थी, सो इसलिए ये एक तकरीबन हैप्पी फैमिली ही थी। अब नेक्स्ट डे शिंग जब जीजी को चुनैन के घर जाने का बताती है तो वो उसे फिर पहले शॉपिंग करवाने लेकर आती है। यहाँ पर कोइंसिडेंटली उनकी मुलाकात शिया से भी हो जाती है। उसे शैन किंग के साथ देकर ये दोनों समझती हैं कि ये शायद उसकी गर्लफ्रेंड है। चुनैन फिर शिंग को अपने पेरेंट्स से मिलवाने लेकर आ गया होता है। उन्हें शिंग काफ़ी पसंद आई थी, वो तो इन दोनों की शादी करवाने तक का सोच लेते हैं। यहाँ पर भी शिंग को शिया कॉल करके एक प्लेस पर वर्क के सिलसिले में मिलने के लिए बुलवाता है। शिंग भी चुनैन के पेरेंट्स से एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से जाने लगती है। अब फिर वापस जाते हुए रास्ते में शिंग हुंडो के हाथों लग जाती है। बड़ी मुश्किल से वो इनसे जान छुड़ा कर फिर वहाँ से भागती है। शिया हीचू से मिलने आया होता है, तभी उसे शिंग कॉल करके पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। अब वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसे मिलने आते हुए रास्ते में कैसे वो गुंडों के हाथों किडनैप होने से बची है। शिंग के पाँव पर चोट भी लग चुकी थी, इसलिए शिया फिर उसे अपनी बैक साइड पर बिठा लेता है। अब फिर शिया शिंग को ही यू से भी मिलवाता है। घर आकर फिर शिंग को पता चलता है कि मॉम डैड तो आज एक होटल गए हैं जो कि रात को नहीं आने वाले। कीज़ वो वैसे ही खो बैठी थी, तो अब उसके पास सिर्फ चुनैन को कॉल करने की ही चॉइस रह जाती है। बट चुनैन साहब शैन के साथ होते हैं। शैन खुद ही चुनैन से मिलने आई थी, हालांकि इनका ब्रेकअप हो चुका था, बट स्टिल ये एक दूसरे से बहुत लव करते हैं। वो तो अब शिंग की कॉल पिक ही नहीं करता, सो उसके पास बस अब शिया के घर रहने का ही ऑप्शन बचता है। अपार्टमेंट में आकर शिया शिंग की चोट पर मेडिसिन भी लगाता है एंड साथ में उसके पाँव पर मसाज भी करता है। शिंग को जब पता चलता है कि शिया मसाज करने में बड़ा माहिर है तो वो इस बात से काफ़ी शॉक होती है। यहाँ पर शिया की नज़र शिंग के ब्रेसलेट पे भी पड़ जाती है जो कि चुनैन के पेरेंट्स ने उसे दिया था। शिंग बहुत ट्राई करती है कि जैसे तैसे करके ये उसके हैंड से निकल जाए, बट ना इसे तो शिंग की कलाई इतनी पसंद आई थी कि ये हिलता तक नहीं है। खैर बाद में शिया फिर शिंग को शैन किंग की ड्रेस भी पहनने के लिए देता है। अब फिलहाल इसे तो यही लग रहा होता है कि जैसे ये इसकी गर्लफ्रेंड की है। एंड रात को शिया फिर शिंग को अपने रूम में सोने की इजाज़त भी दे देता है। फर्स्ट टाइम शिंग को शिया के घर रहना पड़ रहा था, तो इसलिए वो आज काफ़ी नर्वस भी होती है। मॉर्निंग ही मॉर्निंग शिया शिंग को उठाकर अपने साथ एक अलमारी में छुपा लेता है। शैन एंड उसका बेटा शियाओशी घर आए थे, सो वो खुद से शिंग को उनसे छुपा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग इन्हें साथ में देख ही लेते हैं। शिया पहले ही शैन को बता चुका था कि चुनैन एक लड़की को डेट कर रहा है। आज उसे पता चल जाता है कि वो लड़की शिंग ही है। शिंग को अब लगने लगता है कि शियाओशी जैसे शैन एंड शिया का नाजायज बेटा है। खैर यहाँ पर फिलहाल तो शियाओ एंड शिंग की अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। उसे तो शिंग काफ़ी पसंद आई थी। शैन तो फिर खुद बाकायदा शिंग को घर ड्रॉप करने भी जाने लगती है। अभी तक उसे शैन ने ये कन्फर्म नहीं किया था कि वो शिया की सिस्टर है। शिया को शियाओ से पता चलता है कि वो तो चुनैन से चोरी चोरी मिलता भी है। शियाओ ने चुनैन को ये भी बता दिया था कि उसकी मॉम को एक मिस्टर ली नामी अंकल लाइक भी करते हैं, तो वो उस वक्त काफ़ी परेशान हो गया था। अभी वो ये सब बातें शिया को ही बता रहा होता है। शिंग के पाँव की चोट का शैन को भी पता था, सो वो उसे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए भी लेकर जाती है, जो कि वो तो फिर उसे रेस्ट करने के लिए कह देते हैं।
अब तो शैन फिशिंग को कुछ दिन जॉब से लीव लेने का मशवरा भी दे देती है। अब फिशन जब उसे घर ड्रॉप करने जाती है तो रास्ते में उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करने पर शिंग उसे थैंक्स भी कहती है। शिया के थ्रू जब शैन को पता चलता है कि उनका बेटा चुनैन से मिलता है तो वो अब उसे नेक्स्ट टाइम उसे ना मिलने देने का डिसाइड कर लेती है। शिया को इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि शैन अभी भी चुनैन को लाइक करती है। अब नेक्स्ट डे गलती से जीजी को मैसेज भेजने की बजाय शिंग कंपनी ग्रुप चैट में मैसेज सेंड कर बैठती है कि बॉस शिया का एक नाजायज बेटा भी है, जो कि खुद शिया भी ये मैसेज देख लेता है। अब तो फिर वो अपनी इस की गई मिस्टेक पर शिया से अपोलोजाइज भी करती है। खैर वो तो उसे माफ़ कर देता है एंड रेस्ट करने के लिए उसे कुछ दिन की लीव भी दे देता है। पहले तो वो डर जाती है कि कहीं बॉस ने उसे फायर तो नहीं कर दिया, लेकिन फिर शिया उसे अश्योर करवाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम अब घर पर ही रहकर कुछ दिन काम करोगी, जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम वापस ना आना। बाद में शिंग को ये भी पता चलता है कि बहुत जल्दी कंपनी के सारे मेंबर्स एक ट्रिप पर जा रहे हैं, सो वो तो विश करती है कि अब तो जल्दी से वो ठीक हो ही जाए। अब तो फिर शिंग डेली ही घर बैठे काम किया करती है एंड वीडियो कॉल पर ही वो शिया से वर्क भी डिस्कस कर ही लेती है। अब मॉम जब शिंग को आकर बताती हैं कि चुनैन तुमसे मिलने आया है तो वो जल्दी में कॉल डिस्कनेक्ट करना भूल ही जाती है। मॉम डैड को लगा था कि शायद शिंग की ऐसी हालत चुनैन की वजह से हुई है, तो इसलिए वो उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर जाते हैं। वो भी फिर आगे से कुछ और एक्सप्लेन किए बिना उनसे सॉरी बोल लेता है कि वो शिंग का ख्याल नहीं रख पाया। अब फिर शिंग उसे अपने रूम में ले जाती है एंड उसे सारा बता देती है कि कल उसे चोट कैसे लगी थी। इनकी सारी बातें शिया तो चोरी चोरी सुनता रहता है। अब उसके जाने के बाद जब वो अपना फ़ोन देखती है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि शिंग ने अभी तक कॉल डिस्कनेक्ट ही नहीं की थी। अब तो फिर वो जल्दी से कॉल काट देती है। शिंग चुनैन के साथ जा ही रही होती है कि रास्ते में चुनैन की नज़र शैन पे पड़ती है। अब उसे मिस्टर ली के साथ देखकर चुनैन बहुत जेलिस फील करता है एंड गुस्से में शिंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब तो चुनैन इतनी तेजी से ब्रेक लगाता है कि शिंग का ब्रेसलेट ही टूट जाता है। वो तो फिर परेशान हो जाती है एंड उसे कंपनसेट करने के लिए मनिका पूछती है, जो कि वो आगे से उसे कुछ नहीं बताता। खैर जो भी था, शिंग अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं थी, सो वो चुनैन के प्रपोजल पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। शिंग तो अब अपनी कज़न के साथ एक मॉल में आई होती है। वो उसे चुनैन के प्रपोजल का बता चुकी थी। उसकी कज़न तो उसे उससे शादी करने के लिए हाँ करने को कह देती है। अब वो यहाँ पर ड्रेस सेलेक्ट करने आई थी तो वो साथ में उसे भी एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कह देती है और फिर उसकी फ़ोटो बनाकर उसके फ़ोन में मौजूद पहले नंबर को सेंड कर देती है। उसे तो ये पहला नंबर चुनैन का ही लगा था, बट एक्चुअली में ये तो शिया का था। वो तो शिंग को वेडिंग ड्रेस में देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है। बाद में वो जब शिंग से मिलता है तो फिर उसे इस फोटो भेजने के पीछे सारी स्टोरी का पता चल जाता है और ये भी कि चुनैन ने इसे शादी के लिए प्रपोज भी किया है। खैर यहाँ पर शिंग ने उसकी ड्रेस ख़राब कर दी थी तो वो उससे बाकायदा अपनी न्यू ड्रेस बाय भी करवाता है। यहाँ पर शिया को ये भी पता चलता है कि कंपनी ट्रिप पर उनके साथ चुनैन भी आने वाला है। तब तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या हर वक्त हमारे साथ ही आता रहेगा। नेक्स्ट डे सभी इम्प्लॉयज ट्रिप पर एक बस में ही जाते हैं। शिंग को शिया के साथ ही बैठने के लिए सीट दी जाती है और वो तो यहाँ पर शिया के शोल्डर पर अपना सर रखकर मज़े से सो भी जाती है। अब ये सारी टीम जिस प्लेस पर आउटिंग के लिए आई थी यहीं पर शैन भी आई होती है। अब फिर इसकी मुलाकात शिया से भी हो जाती है। सभी को लगता है कि ये शिया की गर्लफ्रेंड है, वो भी इन सब को सच्चाई का बताए बिना शिया के साथ और ज़्यादा चिपकने लगती है। अब तो इस बात से शिया भी काफ़ी चिढ़ता है, उसे ये सब करने से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता एंड वो फिर सबको सच्चाई का बता देता है कि शैन उसकी सिस्टर है। सब इस बात से काफ़ी सरप्राइज होते हैं। चुनैन भी यहाँ आ चुका होता है तो शिंग फिर उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। चुनैन तो काफ़ी शौक होता है कि शिया शिंग का बॉस है। अब यहाँ पर शिंग इन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो।
तो वो दोनों ही फिर नो कह देते हैं। शेन भी फिर यही पर ही आज रुकने का फैसला करती है। अब ये सब लोग इकट्ठे थे तो इसलिए सभी मिलकर खाना खाते हैं एंड फिर एक साथ में गेम्स भी खेलते हैं। अब बाद में एमी एंड जीजी तो शिंग को स्पा में लेकर जाती हैं ताकि वो इसका मेक ओवर करवा सके, क्योंकि इसने आज चुनैन के साथ जो टाइम स्पेंड करना था। शिया अपनी ड्रंक सिस्टर शेन को रूम में लेकर जा ही रहा होता है कि तभी वो शिंग को इस गेटअप में देखकर काफी सरप्राइज होता है। यहाँ पर जीजी शिया से पूछती है कि शिंग इस ड्रेसिंग में कैसी लग रही है, तो वो उसे अगली कहकर वहां से चला जाता है। अब तो फिर शिंग ये ड्रेस ही चेंज कर देती है, सो चुनैन उसे सिर्फ सिंपल ड्रेस में ही देख पाता है। अब शिंग जैसी भी सिंपल सी लड़की थी, चुनैन को ये पसंद ही थी। अब फिर ये दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं एंड साथ में डांस भी। अब चुनैन फिर यहाँ पर शिंग को किस करने ही वाला होता है कि तभी जब उसे शेन की याद आती है तो वो फिर खुद ही साइड पे हो जाता है कि हमें वेडिंग तक इतने क्लोज नहीं आना चाहिए। अब शिंग तो फिर एक बहाना बनाकर जल्दी से वहां से जाने की करती है। बाहर उसकी मुलाकात शिया से भी हो जाती है। शिंग स्विमिंग पूल जा रही थी तो शिया भी उसी के साथ वहां जाने का डिसाइड कर लेता है। इधर शेन एंड चुनैन की भी मुलाकात हो जाती है। चुनैन शेन को अपने प्यार का यकीन दिलाने की कोशिश करता है बट उसे उस पर बिलीव ही नहीं होता। शिया बातों ही बातों में शिंग से पूछते हैं कि क्या तुम चुनैन को लाइक करती हो, तो वो उसे यस कह देती है। शिया भी कहता है ठीक है, अभी सब सच का पता चल जाता है। वो जानबूझ के उसके क्लोज जाकर ये पता करने लगता है कि ये दूसरे मेंस की तरफ अट्रैक्ट होती है या नहीं। वो आगे से अपनी आईज क्लोज कर लेती है। शिया उसे कह देता है कि लगता है तुम चुनैन को लाइक नहीं करती हो, वरना मेरे क्लोज आते ही तुम मुझे पीछे कर देती, ना कि अपनी आईज क्लोज करती। वो तो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती एंड फिर गलती से पानी में गिर जाती है। अब शिया उसे फिर पानी से बाहर निकालता है। शिया जब शेन एंड चुनैन को साथ में देखता है तो वो जल्दी से शिंग का फेस कवर कर लेता है ताकि वो इन दोनों को ना देख ले। इस तरह इनका सीक्रेट रिवील होने से बच जाता है। शिया से कहकर शिंग तो अपना रूम चेंज करवा लेती है। शेन को पता चलता है कि शियाओ का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। वो तो अब फिर शिया को इस बारे में बताकर वहां से जाने लगती है। शेन भी फिर एक इमरजेंसी होने का बहाना बनाकर उसी के साथ ही वहां से जाने लगता है। शेन एंड चुनैन अब हॉस्पिटल पहुँच आए होते हैं। शियाओ को नैनी ही यहाँ लेकर आई थी। एक डॉक्टर बिजी थी तो इसलिए शेन इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर जो कि उसी की मॉम है उन्हें कॉल करके शियाओ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहता है। अब वो तो वाकई में शियाओ का चेकअप करने इनकी प्लेस पर पहुँच आई होती हैं। शेन को परेशान देखकर चुनैन फिर उसे तसल्ली देता है। अब फिर शियाओ का फाइनली सक्सेसफुली ऑपरेशन हो जाता है, तब जाके शेन रिलीफ फील करती है। शिंग जब जीजी और एमी को चुनैन के घर जाने का बताती है तो वो दोनों ही हैरान होती हैं कि आखिर चुनैन और शेन को एक साथ में इमरजेंसी कैसे हो सकती है। वो तो इनकी बात पर तवज्जो नहीं देती। अब फिर से ये सारे लोग घूमने जाने लगते हैं। अब ये लोग गेम खेलने एक प्लेस पर पहुंच आए होते हैं। यहाँ पर शिया एंड शिंग एक ही टीम में होते हैं। शिया शिंग से कह देता है कि वो लोग हारेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें गलती उसी की ही होगी। अब तो उसका इस गेम में गलती ना करना ही बेहतर होता है। इस गेम में शिया तो बड़ी समझदारी से बाजी ले जाता है। एक दफ़ा तो वो अपने इल होने का बहाना करके अपना टारगेट कम्प्लीट करता है। अब तो फिर ये दोनों ही ये गेम जीत जाते हैं। शिया इम्प्लॉइज की बातें सुनता है कि अगर एक दफ़ा एक इनोसेंट लड़की पहले प्यार में पड़ती है तो वहाँ से धोखा मिलने पर वो तो सारी जिंदगी इस दुख को भुला ही नहीं पाती। ये सुनकर वो तो अभी फिलहाल उसे चुनैन के बारे में ना ही बताने का डिसाइड करता है। शिंग की चुनैन से बात नहीं हुई थी तो वो इस बात से काफ़ी दुखी होती है। खैर अब ये लोग घूम फिर कर वापस जाने लगते हैं। बाद में चुनैन और शिया की जब मुलाकात होती है तो वो यहाँ पर चुनैन को कहता है कि अब वो दो लड़कियों के दिलों के साथ खेलना बंद करे और वो मज़ीद इन्हें हर्ट ना करने के लिए भी कह देता है।
तभी शेन शिया को कॉल करके शियाओ की खराब कंडीशन का बताती है। अब वो दोनों ही शियाओ को देखने पहुंचे होते हैं। चुनैन की मॉम भी आकर शियाओ को चेक करती हैं एंड वो इन्हें शियाओ को लेकर चिंता ना करने के लिए भी कह देती हैं। शिया ने अपना स्टफ एमी को कॉल करके हॉस्पिटल में ही मंगवाने के लिए कहा था। अब एमी को इमरजेंसी हो जाती है तो वो शिंग को ही शिया के पास भेज देती है। अब हॉस्पिटल आकर वो शिया को कॉल करती है। शिया परेशान हो जाता है कि ये कहीं यहाँ पर चुनैन को ना देख ले, इसलिए वो जल्दी से उससे अपना स्टफ लेकर उसे वहाँ से भेजने लगता है। शेन पर एक स्ट्रेंजर ने बाकायदा नज़र भी रखी हुई थी। अभी आखिर कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल कुछ नहीं बताया गया। शिंग की नज़र तो फिर चुनैन पे पड़ ही जाती है। वो उससे मिलती है एंड जू हॉस्पिटल में होने का उससे रीज़न पूछती है, जो कि वो अपने भाई के हॉस्पिटलाइज होने का झूठ बोल देता है। अब तो वो फिर शिंग को एक रेस्टोरेंट भी लेकर जाने लगता है। चुनैन के एक ड्रंक फ्रेंड की भी इनसे मुलाकात हो जाती है, जो कि वो शिंग को इसके पहले लव का बताता है। अब चुनैन फिर शिंग को कह देता है कि ये जस्ट मजाक कर रहा है, इसकी बात को सीरियस मत ले जाना, मेरा कोई फर्स्ट लव नहीं है। शिया की आज दो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो शिंग उसके साथ जाने की परमिशन ले लेती हैं। शिंग एक प्रोफेसर फू नामी पर्सन की फैन थी तो इन्हें कॉन्फ्रेंस में देखकर वो तो बहुत खुश होती है एंड उनसे मिलकर तो वो बस हवाओं में ही उड़ने लगती है। इवन के वो खाने तक को हाथ नहीं लगाती क्योंकि मिस्टर फू ने उससे हैंडशेक जो किया था। बट अनफॉर्चुनेटली खाना गिरने पर उसे फिर अपना हाथ साफ करना ही पड़ता है। चुनैन का फ्रेंड उसे शिया के साथ बैठा देखकर गलत समझ लेता है कि शायद ये इसे डेट कर रही है। खैर शिया तो आज शिंग को बाकायदा घर खुद ड्रॉप भी करने जाता है। हॉस्पिटल में शेन चुनैन एंड उसकी मॉम के बीच होने वाली बातें चोरी चोरी सुन लेती है एंड उसे इस बात से बहुत दुख होता है कि कल ही मॉम के कहने पर चुनैन शिंग को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। अब नेक्स्ट डे एक बहाने से चुनैन शिंग को अपने साथ वेडिंग ड्रेस चेक करवाने के लिए लेकर आता है। शिया को पता चलता है कि चुनैन से बिछड़ने का गम शेन को इतना ज़्यादा लगा है कि वो रात को मेडिसिंस लेकर सोती है। शेन काफ़ी ड्रंक होती है तो वो शिया को खुद को पिक करने के लिए कहती है। वो भी फिर चुनैन को कॉल करता है, जो कि आगे से शिंग उठाती है। वो तो फिर आगे से बिना जाने के कौन है। चुनैन से कह देता है कि अगर तुम शेन को लाइक करते हो तो उसे लेने होटल पहुंचो। अब फिर शिंग जब शिया की कही बात चुनैन को बताती है, वो तो उसे लेने फिर वहां से भाग जाता है। शिंग तो यहाँ पर इस सब से काफ़ी ज़्यादा शॉक बैठी होती है। अब वो तो शैन को लेने पहुंचा होता है। शिंग की नज़र जब यहाँ पर इन दोनों पे पड़ती है तो उसे सब पता चल जाता है कि असल में चुनैन शैन को लाइक करता है। अब शिया भी यहाँ पर आ चुका था तो वो मज़ीद उसे ये बात कंफर्म कर देता है। शिंग यहाँ पर उससे गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें अगर सब सच का पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ चुनैन तो मॉम से साफ कह देता है कि वो सिर्फ और सिर्फ शेन से ही शादी करेगा। शिंग से शादी तो वो इसलिए कर रहा था ताकि बाद में उसे डाइवोर्स देकर वो भी डाइवोर्स्ड मैन बन जाएगा और फिर मॉम को शेन से शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये सुनकर शेन तो फिर उसे थप्पड़ मार कर वहाँ से चली जाती है। अब बाद में शिंग की मुलाकात जब चुनैन से होती है तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। चुनैन भी पास्ट में उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने पर सॉरी बोल लेता है। अब शिंग का उससे नाता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था सो वो फिर वहाँ से चली जाती है। शिंग जब ऑफिस आती है तो तब शिया उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टिल उस पर एंग्री ही थी। अब तो शिया फिर उसे प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल मैटर्स को बीच में ना ही लेकर आने के लिए कहता है। वैसे तो वो ओके कह देती है लेकिन फिर भी उसने अपनी नाराज़गी ख़त्म नहीं की थी, जो कि शिया बहुत अच्छे से नोट कर लेता है।
ऑफिस में शिंग नोट करती है कि प्रोग्रामिंग स्टाफ को उसका लव गेम प्रोजेक्ट पर काम करना पसंद नहीं आया था, इसलिए मिस्टर हु उसके आइडियाज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे। रात को शिया शिंग को लिफ्ट देने की बात करता है, बट वो तो उसे साफ मना कर देती है। नेक्स्ट डे मिस्टर हु शिंग की राइट की गई रिपोर्ट में खामियां निकालता है, तो तब शिया को पता चलता है कि उसके कुछ स्टाफ में से लोगों को शिंग के इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब इसका सलूशन तो कोई उसे निकालना ही था। वो फिर ऑफिस में शिंग को बुलाकर उसे एक गेम पर प्रैक्टिस करने का ऑर्डर करता है, जो कि जाहिर है अब तो शिंग को हर हाल में मानना ही था। हॉस्पिटल में चुनैन की मॉम के दिल में शियाओ के लिए फीलिंग्स डिवेलप हो गई थी। वो था ही इतना नाइस बच्चा, उनका पिघलना तो बनता था। शिंग तो गेम खेलने में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होती, तो शिया फिर उसे अब डेली ही इस गेम को खेलने के लिए कह देता है। शिंग अलग से इस बात से भी परेशान होती है कि सभी उसे प्रोजेक्ट लीडर बनने के लायक क्यों नहीं समझ रहे हैं। खैर, एमी तो फिर इसे इन्फॉर्म करती है कि रात को बॉस ने पार्टी अरेंज की है, तो सबको इनवाइट कर दिया गया है, आ जाना तुम लोग भी। रात को अब सब लोग मिलकर डिनर करते हैं, एंड बाद में शिया शिंग को प्रोग्रामिंग टीम के साथ गेम खेलने के लिए भी कहता है। अब वो गेम में इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि सबको लगने लगता है कि इसे गेमिंग प्रोजेक्ट देकर बॉस ने कोई भी गलती नहीं की है। शिंग को अब पता चल जाता है कि शिया का पार्टी अरेंज करने का असल मकसद ही इन लोगों को उसका टैलेंट शो करवाने का था, और गेम की प्रैक्टिस भी उसने इसलिए करवाई थी। सो उसके लिए इतना कुछ करने पर शिंग फिर उसे थैंक्स भी कहती है। अब तो उसकी शिया से नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। शिया फिर शिंग को ड्रॉप करने भी जाने लगता है। अब रास्ते में उसे पता चलता है कि शिंग ने अपने ब्रेकअप का अभी तक मॉम डैड को नहीं बताया है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ये सब बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ मॉम ने चुनैन को इजाज़त दे दी होती है कि वो अगर अब शैन से शादी करना चाहता है तो कर ले, हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। शैन एंड शियाओ पर नज़र रखने वाला पर्सन एक्चुअली में शैन का हस्बैंड ही होता है, और उसे अब पता चल गया था कि शियाओ उसी का ही बेटा है। शियाओ डिस्चार्ज हो गया था, तो चुनैन उन्हें घर लेकर आता है, एंड फिर शैन से सॉरी भी बोल देता है कि उसने उस तक पहुंचने के लिए एक लड़की को हर्ट करके गलत किया। यहाँ पर चुनैन उसे बताता भी है कि मॉम को अब हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, बट शैन को उसकी बात पे बिलीव ही नहीं होता, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। ऑफिस के बाहर शिंग की कज़न चेंग आई होती है। उसे शेंग के ब्रेकअप का पता चल गया था, एंड मज़े की बात कि इतनी तो शिंग अपने ब्रेकअप से दुखी नहीं थी जितना कि उसे दुख हो रहा था। शिंग ने उसे इस बारे में मॉम डैड को ना बताने के लिए कह दिया होता है। अब तो फिर वो उसे एक बार लेकर आ गई थी। शिंग ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से वहीं पर ही सो जाती है। बाद में चेंग तो वहाँ से जा चुकी थी, तो शिंग की मुलाकात फिर हीयू से हो जाती है। वो उसे ड्रंक होने की वजह से पहचान नहीं पाई थी, और उसे एक ठरकी समझकर हिट कर बैठती है। हीजू फिर शिया को कॉल करके अपने साथ बीते इंसिडेंट का बता देता है। शिंग तो फिर बाहर से सीधा ऑफिस ही आ गई थी। शिया भी आज जल्दी ही उसी की वजह से ही ऑफिस आया था। शिंग का मोबाइल गुम हो चुका था, तो वो फिर इस बात को लेकर परेशान हो जाती है। उसका फोन बार में भी नहीं गिरा था। शिया ने बाकायदा शिंग के लिए खाना भी मंगवाया होता है। मीटिंग में शिंग को सोते देखकर शिया तो समझ जाता है कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। सो वो उसे अपने ऑफिस में बुलाकर सोफा पर ही सोने के लिए कह देता है कि अगर तुम यूं ही लेजी रहोगी तो सारे काम कौन करेगा। नींद में शिंग कानों के नाम ही लेती है, जो कि शिया उसके क्लोज जाकर सब सुन लेता है, और फिर वही सारी डिशेस ऑर्डर करवा लेता है। अब तो उठते ही इतना सारा खाना देखकर शिंग एकदम खुश हो जाती है। फिर खाने के बाद शिया शिंग को हीजू के पास लेकर जाता है, एंड फिर उसे पता चलता है कि रात को उसने जिसे हिट किया था वो हीजू था।
इस बात के लिए वो फिर उससे सॉरी बोलती है एंड उसका फोन उसके पास ही था जो कि अब उससे मिल जाता है। शिन को मॉम डैड कॉल करके जल्दी से घर आने के लिए कहते हैं। फिर वो शिया को घर जाने का बताकर वहाँ से चली जाती है। चैंग ने मॉम डैड को उसके ब्रेकअप का बता दिया था तो इसी वजह से वो उसके लिए काफ़ी परेशान थे। उन्होंने यहाँ पर चुनैन को भी बुलवा लिया होता है। अब शिंग फिर चुनैन से उसके और शैन के रिलेशन का पूछती है तो वो उसे बताता है कि इस बार चाहे जो हो जाए वो शैन को लेकर गिव अप नहीं करने वाला है। अब तो इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई होती है। शैन को आज फर्स्ट टाइम ऐसा ऑर्डर मिला था कि वो खुद हैरान होती है कि ये भला किसने किया होगा। और डिलीवरी करने वो खुद ही जाने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लिंग शैन के हस्बैंड एंड चिया की रेसिंग करते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। बाद में मिस्टर लिंग हॉस्पिटल से ही गायब हो गया था और ऑर्डर वाली रेसिपी सिर्फ मिस्टर लिंग को ही पता थी। सो फिर शैन को पता चलता है कि मिस्टर लिंग ने ही ये ऑर्डर करवाया था। यहाँ पर लिंग इतने दिन गायब रहने पर उससे अपोलोजाइज भी करता है। शिंग ऑफिस में एक मिस्टर लिन नामी बंदे को गलती से अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर आ जाती है। उसे लगा था कि शायद उसकी इसके साथ अपॉइंटमेंट थी। शिया उसे स्ट्रेंजर के साथ बैठा देखकर ये समझ लेता है कि जैसे ये ब्लाइंड डेट पे आई है। अब फिर बाद में इन्हें पता चलता है कि मिस्टर लिन एक्चुअली में अपने बेटे के लिए शिंग को पसंद करने आए थे। इन्हें शिंग की इन्फॉर्मेशन चैंग के लगाए गए पोस्टर से ही मिली थी। लिंग के कहने पर शैन उसे शाओ से मिलवाती है। अब तो वो फिर शैन से पैचअप करना चाहता था जिसके लिए वो उससे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है। शाओ को भी डैड का पता चल गया था और वो चुनैन को कॉल करके बता देता है कि मेरे डैड वापस आ गए हैं। इस बात से वो तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। शिया ने बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है और वो शिंग को अपने प्रोजेक्ट पर हीजू को असिस्ट करने का कहकर फिर वहाँ से चला जाता है। सो अब फिर हीजू साहब ऑफिस में एंटर हो चुके होते हैं। एमी को तो ये बहुत ही स्वीट लगा था, उसे क्या पता कि ये कितना फ्लर्टी है। खैर हीजू तो ऑफिस में शिंग के साथ प्रैंक भी करता है। इस बात से उसे इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो फिर अपना सारा गुस्सा शिया पे निकालती है। वो हैरान होता है कि इसे क्या हो गया है। रात को फिर से ही जो अपने डरने का नाटक करके शिंग से अंधेरे में अपना लैपटॉप बंद करवाता है और बाद में शिंग को पता चलता है कि इसे कोई अंधेरे से डर नहीं लगता है, बस ये सिर्फ उसे तंग करने के लिए ट्रिक से यूज़ कर रहा है। शिंग को एक शॉप पर गैराज किट काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है बट वो तो नॉट फॉर सेल थी। अब फिर वो शिया को मैसेज करके अपने किए गए बैड बिहेवियर पर सॉरी बोलती है एंड फिर बाद में उसे कॉल करके गैराज किट खरीद कर देने के लिए कहती है। वो तो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होता है। साथ मौजूद एक कपल को देख कर अचानक ही उसका मन करने लगता है कि काश शिंग यहाँ पर होती। फिर खुद को ही कोसने लगता है कि अरे मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों शिंग के बारे में सोच रहा हूँ। अब कंपनी में एक गेमिंग कंपटीशन होने वाला था तो एमी और शिंग अब जानबूझकर हीजू को भी पार्टिसिपेट करने के लिए कह देती हैं, जो कि वो मान जाता है। शिया की मुलाकात याओ से भी हो जाती है जो कि हीजू एंड उसकी बचपन की फ्रेंड थी। हीजू और याओ एक ही कंपनी में काम करते हैं। याओ शिया के साथ ही होटल आई थी तो एमी की जब शिया को कॉल आती है तो वही पिक करती है। अब ऊपर से शिया भी आकर एमी से वर्क डिस्कस कर लेता है। अब एमी जीजी और शिंग को ये बताती है कि लगता है बॉस को अपनी कोई गर्लफ्रेंड मिल ही गई है क्योंकि रात को शिया का फोन उसी ने ही पिक किया था। सबको लगता था कि शायद हीजू कंपटीशन में नहीं आएगा बट वो तो वहाँ पर आ ही जाता है और ये गेम जीत कर वो एक नया रिकॉर्ड बना लेता है। अब इसके बदले में उसने सबको ट्रीट भी देनी थी। अब जब उससे पता चलता है कि शिंग ने जस्ट स्नैक्स वगैरह के लिए ही उससे प्रैंक किया है तो वहाँ पर उस पर गुस्सा हो जाता है एंड एक ही शर्त पे माफ़ करता है कि तुम्हें मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट का खाना खिलाना होगा, जो कि वो मान लेती है। दूसरी तरफ याओ तो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर स्पेशल शिया को घुमाने भी लेकर जाने लगती है।
हीजू सिंह को कॉल करके ऑफिस में मौजूद उसका इम्पोर्टेंट स्टफ उसे देकर जाने को कहता है। हीजू ने बिजनेस के सिलसिले में याओ को कॉल की थी। अब पीछे से सिंह को आते शिया भी देख लेता है और वो हीजू पे गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें यूँ मेरी कंपनी के रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। वो तो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। सिंह तो फिर हीजू को उसका स्टफ देकर फिर वहाँ से चली जाती है। अब इसी प्लेस पर हीजू की तो अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड से भी मुलाकात हो जाती है और वो तो उसे ना सिर्फ यहाँ पर बंद कर देती है बल्कि उसका फ़ोन भी उससे लेकर स्विच ऑफ कर देती है। इसलिए हीजू का कोलीग उससे इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस ही नहीं कर पाता। शिया याओ के साथ एक शॉप पर सिंह के लिए गिफ्ट बाय करने आ गया होता है। अब उसे यहाँ एक छोटी सी गिफ्ट किटन दिखती है तो वो यही उसके लिए खरीद लेता है। लॉक होने के चक्कर में हीजू का सारा काम खराब हो चुका था। इसी बात पर इन्हें बॉस से भी डांट पड़ जाती है। अब इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हीजू ले लेता है। अब शिंग भी हीजू पे गुस्सा होती है कि उसे ट्रीट देने का कहकर खुद वो रेस्टोरेंट ही नहीं आया है। अब वो फिर जल्दी से उसके पास आता है एंड इतनी देर उसके लिए वेट करने पर फिर वो उससे अपोलोजाइज भी करता है। अब बाद में हीजू तो सीधा सीधा शिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह देता है। इस बात से वो तो काफ़ी शॉक होती है। याओ को तो फिर हीजू की गई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब वापस आने के लिए कह दिया जाता है। अब शिया और वो दोनों साथ में ही वापस आने का डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट डे शिया को एयरपोर्ट से पिक करने एमी आती है और फिर ऑफिस आने पर उसका शिंग से इनकाउंटर भी हो ही जाता है। ऑफिस में सिंह के नाम से किसी ने फ्लावर्स भेजे थे तो शिया काफ़ी हैरान होता है कि ऐसा भला कौन कर सकता है। खुद को तो वैसे भी उसे फ्लावर्स के सेंट से एलर्जी थी। फिर बाद में सबको पता चलता है कि ये तो एक्चुअली में हीजू ने ही सिंह के लिए भेजे थे। सिंह ने तो शिया को बता दिया था कि हीजू ने उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा है, जिसका फिलहाल उसने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। शिया उसे कुछ दिन और वेट करके हीजू को जवाब देने के लिए कहता है कि तब तो वो फिर ही खुद ही तुम पर गिव अप कर देगा। शिया सिंह को अपनी कार में से उसके लिए लाया गया गिफ्ट लेने के लिए कह देता है। अब जब वो अपने गिफ्ट को देखती है तो खुश हो जाती है। हालांकि जो उसने शिया को गिफ्ट लाने के लिए कहा था वो ये नहीं था, बट फिर भी वो इसे एक्सेप्ट कर ही लेती है। दूसरी तरफ याओ भी अब कंपनी में वापस आ गई होती है। आते ही वो होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के आइडियाज़ देती है, जिसकी वजह से उनका ये मैटर बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाता है। और यहाँ पर हीजू भी उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है कि इसने कैसे अच्छे तरीके से इस मैटर को हल किया है। हीजू ने जितने भी फ्लावर्स शिंग को भेजे थे वो शिया ने अपने ऑफिस में ही रखवा लिए थे। अब बाद में जब इस सब का उसे पता चलता है तो वो फिर सिंह से नाराज़ हो जाता है एंड उसे अपना वर्क भी सबमिट करवाने से मना कर देता है। अब मानने की उसकी शर्त उसके साथ रेस्टोरेंट जाने की थी, जिसकी इजाज़त फिर शिया को मजबूरी में उसे देनी ही पड़ती है। अब रेस्टोरेंट आकर हीजू ने उससे अपना लव फिर से कन्फेस कर लिया था, बट सिंह उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। शिया भी इन पर नज़र रखने यहाँ पर ही आया हुआ था और फिर हमें यहाँ पर फील होता है कि जैसे वो सिंह को लाइक करता है बट अभी तक उससे लव कन्फेस नहीं कर पाया है। हीजू तो सिंह से मिलने डेली ऑफिस आता है बट वो उससे फिर नहीं मिलती। अब एक बहाने से वो उसे अपने ऑफिस में बुलवा लेता है एंड अब एक प्रोजेक्ट पर वर्क करने के सिलसिले में हीजू सिंह को अपने साथ एक प्लेस पर चलने को कहता है। अब जिस रेस्टोरेंट पर ये दोनों आए होते हैं वहीं पर ही शिया शियाओ को लेकर आया था। जब उसकी नज़र इन दोनों पे पड़ती है तो वो चोरी चोरी सिंह को यहाँ से लेकर भाग जाता है। हीजू तो बस हैरान ही रह जाता है कि आखिर ये कहाँ चली गई है। अब जब शिया को पता चलता है कि सिंह प्रोजेक्ट के लिए ही हीजू के साथ आई थी
तो वो फिर उसकी हेल्प करने के लिए उसे बेस्ट रेस्टोरेंट लेकर आता है। और यहाँ पर ये दोनों तो एक कपल होने का नाटक भी करते हैं। ये आइडिया शिया का था ताकि शिंग अपने प्रोजेक्ट के लिए कपल होने का नाटक करके अच्छी रेफरेंस ले सके। अब फिर बाद में शिया शिंग को घर भी ड्रॉप करता है। शिया को लिंग स्टार्ट से ही पसंद नहीं था। अब जब शियाओ को छोड़ने वो घर जाता है तो शैन के साथ उसे देखकर वो फिर गुस्सा हो जाता है। शिया नहीं चाहता था कि लिंग उसकी सिस्टर की लाइफ में दोबारा से आए, बट फिलहाल उसकी बहन ही उसे चुप करवा देती है। उसे लगता है कि शायद पास्ट में ये इसी से ही तंग होकर मुझसे दूर हुआ था, बट अब रियलिटी क्या थी शायद वो इस बात से अनजान थी। अब शिया इसे लाइक क्यों नहीं करता था उसके बारे में हमें फिलहाल कुछ नहीं बताया गया। फिर बाद में घर पर ही जो शिया से मिलने आता है एंड यहाँ पर उसे वार्न करता है कि अगर तुम शिंग को लाइक नहीं करते हो तो फिर उसके और मेरे रिलेशन के बीच में आने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात से यहाँ पर शिया को तो उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे नाराज ही हो जाता है। अब नेक्स्ट डे ही जो फिर से शिंग को फ्लावर देने आया होता है। जाओ को भी अब हीजू के साथ ही नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया गया था। अब फिर जाओ को शिंग से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। शिया ने शिंग को हटाकर एक और लड़की को हीजू की असिस्टेंट बना दिया था। इस बात का जब हीजू को पता चलता है तो वो काफ़ी सरप्राइज होता है। शिंग की मुलाकात जब श्याओ से होती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके डैड अब वापस आ चुके हैं एंड वो फिर उनसे खुद मिलती भी है। ऑफिस में शिया तो अब काफी गुस्सा करने लगा था। एक्चुअली में वो लिंग के वापस आने से ही काफी डिप्रेस्ड था। शिंग उससे यूं एंग्री होने का रीजन पूछती भी है बट वो उसे कुछ नहीं बताता। चुनैन घर पर शैन से मिलने आया होता है। लिंग भी यहाँ पर मौजूद था तो वो चुनैन को शैन से बात भी नहीं करने देता और वहां से जाने के लिए कह देता है। फिलहाल शैन भी लिंग की ही फेवर करती है एंड वो उसके साथ घर के अंदर चली जाती है। रात को शिया शिंग को मैसेज करके खुद को पिक करने के लिए कहता है। फिर बाहर आकर उसे पता चलता है कि शिया तो काफी ज्यादा ड्रंक है और मैसेज उसे हीजू नहीं किया था। वो उसे शिया को अपने साथ घर लेकर चलने को कहता है। अब फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही शिया को लेकर घर आ गए होते हैं। अब फिर यहाँ पर हीजू शिंग को शिया के परेशान होने की सारी स्टोरी बता देता है कि शिया लिंग को इसलिए लाइक नहीं करता है कि उसने खुद लिंग को उसकी सिस्टर को चीट करते देखा था। और फिर वो इस बारे में शैन को बताने जा ही रहा था कि रास्ते में लिंग इसे फॉलो करने लगा और बस एक दूसरे के पीछे भागते भागते इनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। अब शैन को तो शिया ने झूठ बोल दिया था कि रेसिंग करते वक्त इनका एक्सीडेंट हुआ था। ग्रैंडमा और शिया ने लिंग को शैन को छोड़कर जाने के लिए जब पैसों की ऑफर की थी तो उसने एक्सेप्ट कर ली थी और वो उसे धोखा देकर वहां से चला गया था। इस बात का सिर्फ शिया और ग्रैंडमा को ही पता था। उन्होंने शैन को इस बात की इसलिए खबर नहीं होने दी थी ताकि वो परेशान ना हो जाए कि उसके लव ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया। और शैन को लगता है कि लिंग उसी की वजह से ही उसे छोड़कर गया था और बस अब लिंग दोबारा ना शैन को हर्ट कर दे। तभी शिया काफ़ी परेशान है। शिंग को घर ड्रॉप करने के बाद हीयू सीधा बार आ जाता है जहां पर इसे याओ मिल जाती है। फिर हमें पता चलता है कि याओ शिया को लाइक करती है बट उसे कन्फेस नहीं कर पाई है। और हीजू तो इतना जान गया था कि शिया शिंग को लाइक करता है तभी तो वो उसे शिंग के क्लोज नहीं जाने दे रहा है। नेक्स्ट डे शिया ने शिंग को वर्क की बात करने के लिए अपनी ट्रेनिंग प्लेस पर ही बुलवा लिया होता है एंड फिर उसे खुद थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सिखाता भी है। फिर यहाँ से जाते हुए शिंग बातों ही बातों में शिया से कह देती है कि अगर वो शैन की वजह से परेशान है तो उसे लिंग की सच्चाई का फिर उसे बता देना चाहिए ताकि मैटर सॉल्व हो जाए। सो शिया जब शिया उसे मिलने आता है तो वो उसे अब ये कह देता है कि मॉम को बता देना कि कल वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर मुझसे मिलने आ जाए। अब इनकी बातें लिंग ने सुन ली थी सो वो तो शियाओ को ये बात शैन को बताने ही नहीं देता और इनके साथ इतना टाइम स्पेंड करता है कि शियाओ मॉम को शिया का बताना ही भूल जाता है।
शिया तो बस शेन के आने का वेट ही करता रह जाता है और फिर बाद में उसे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आता है। चुनैन ने अपने फ्रेंड से कहकर लिंग पर नज़र रखवाई हुई थी और फिर उसे पता चलता है कि लिंग साहब पर तो बहुत से लॉन्स चढ़े हुए हैं। इस बात से वो तो काफ़ी सरप्राइज होता है और अभी तक उसने अपना कर्ज भी नहीं चुकाया था। हीजू ने शिंग को मिलने के लिए एक मॉल में बुलवाया होता है। यहाँ पर उनकी नज़र जब लिंग पर पड़ती है तो वो उसे फॉलो करने लगते हैं। वो एक रिंग बाय करने आया था। अब यहाँ पर शिंग को बिजी देखकर हीजू तो चुपके से उसे कपल रिंग पहनाकर फोटो बना लेता है, जो के बाद में शिंग जल्दी से उतार देती है। लिंग तो अब शेन को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर आ गया था। अब हीजू और शिंग भी इन्हीं के पीछे थे। उन्हें इतना तो कन्फर्म हो जाता है कि लिंग शेन को प्रपोज करने वाला है। अब बस इन्हें अब शेन को लिंग की सारी सच्चाई का बताना था कि वो लिंग पर भरोसा ना करे। अब तो वो फिर चुनैन को मैसेज करके इस प्लेस पर आने के लिए कह देती है और शिया को भी कॉल करके सारी सिचुएशन का बता देती है। लिंग तो अब फिर पहले की तरह एक बार फिर से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी ऊपर से ही यू और शिंग वहाँ पर आ जाते हैं और शिंग शेन को इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करने के लिए कहती है। अब शेन खुद भी इसी से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो चुनैन से ट्रू लव करती थी। चुनैन भी यहाँ आ गया था। शेन और वो दोनों तो फिर हग कर लेते हैं। अब लिंग अपना सा फेस लेकर वहाँ से चला जाता है। शिया भी अभी इस प्लेस पर आ चुका था, सो वो शेन को साइड पे बुलाकर लिंग की सारी रियलिटी का बता देता है। अब तो भाई बहन की भी सारी नाराजगी ख़त्म हो गई थी। इस बात से शिंग तो काफ़ी खुश होती है। हीजू ने शिंग के साथ ली गई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, जो कि शिया भी देख लेता है। अब शिंग फिर उसे एक्सप्लेन करती है कि ये इसने बस मजाक में ली थी और फिर वो हीजू को फौरन से ये फोटो डिलीट करने के लिए कह देती है। अब शिया को कॉल के थ्रू पता चलता है कि शिंग ने शियाओ को किडनैप कर लिया है। अब तो ये सब लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। लिंग तो इस वक्त काफ़ी गुस्से में था, सो शिया अब बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंच पाता है और उसे पकड़कर उसकी खूब दुर्गत भी बना देता है। अब चुनैन और शेन भी वहां पर आ चुके थे। पुलिस को भी इन्होंने यहां पर बुलवा लिया था, सो लिंग सीधा अब जेल में ही जाता है। शिया के हाथ पर चोट लगी थी तो शिंग उसे मेडिसिन लगा देती है। आज उसकी इतनी हेल्प करने पर शिया फिर उसे थैंक्स भी कहता है। दूसरी तरफ चुनैन अब दोबारा से शेन को खो नहीं सकता था, इसलिए वो डायरेक्ट ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब शेन भी फिर उसे हाँ कह देती है। इस बात से वो तो फिर बहुत खुश हो जाता है। अब इन दोनों ने अपनी मैरिज रजिस्टर करवा ली थी, तो वो इस बारे में जब शिया को बताते हैं तो उसे इनके लिए बहुत खुशी होती है। चुनैन के मॉम डैड को वैसे भी अब इनके रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। शेन जानती थी कि शिया शिंग को लाइक करता है, इसलिए वो अब मज़ीद इसकी फीलिंग्स जानने के लिए वो शिया शिंग और हीजू को घर पर खाने पर बुलाने का डिसाइड करती है कि अब सब क्लियर हो जाएगा। घर पर जब वो फिर जान बूझ के हीजू को शिंग को फूड देने के लिए कहती है तो वो इस बात से फिर काफ़ी जेलिस फील करता है। अब तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये उसे लाइक करता है, बट शायद इससे कन्फेस करने के लिए ये सही टाइम के वेट में है। यहाँ पर शिया को पता चलता है कि उनकी कंपनी में गड़बड़ी हो गई है, तो अब ये तीनों फिर जल्दी से वहाँ जाने लगते हैं। याओ भी अब प्रॉब्लम का सलूशन निकालने कंपनी में आ चुकी थी। यहाँ पर मौजूद सभी लोग परेशान होते हैं कि आखिर इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए। याओ आकर सबको गुड न्यूज देती है कि ये प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो गई है एंड इस दफा हीजू की स्मार्टनेस की वजह से ही उन्होंने इस मामले को हैंडल किया है। और फिर इसी खुशी में चारों मिलकर सेलिब्रेट भी करते हैं। पहले यकीन होता या ना, बट अब शिया को हीजू के टैलेंट पर बिलीव हो ही गया था। ग्रैंडमा ने शेन को उसकी शादी का गिफ्ट भेजा होता है, तो वो स्पेशल फिर उन्हें मिलने भी जाती हैं। ग्रैंडमा को अब बस शिया की फिक्र थी, तो शेन उन्हें कहती हैं डोंट वरी, बस अब वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आने ही वाला है।
अब बाद में शेन ने सिंह को अपनी बेकरी शॉप में ही बुलवा लिया होता है और वो उसे शिया का फेवरेट केक बनाना भी सिखाती है। दूसरी तरफ याओ का बर्थडे आने वाला था, सो ही जो उसके लिए जब गिफ्ट बाय करने आता है तो साथ में वो शिन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस भी खरीद लेता है। शिया भी अब यहाँ पर आ चुका था। अब हमें दिखाया जाता है कि शिया ने शिन को एक्चुअली में उसके नाम से नहीं बल्कि काइंडनेस की वजह से ही हायर किया था। वो अब उसके क्लोज जाता ही है कि शिन तो नर्वस हो के केक नीचे गिरा बैठती है और अब तो वो फिर जल्दी से वहाँ से चली भी जाती है। शेन शिया से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें शिन पसंद है, सो इसलिए अब उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लो। एंड फिर उसे इम्प्रेस करने के लिए वो डिफरेंट आइडियाज़ भी बताने लगती है। हीजू भी शिंग से मिलने आया होता है। अब बाद में शिंग की अटेंशन पाने के लिए शिया पानी का गिलास अपने ऊपर गिरा लेता है। वो उल्टा फिर उसकी हेल्प करने की बजाय उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब फिर शेन के आइडिया के मुताबिक उसने शेन की टेबल पर खाना रखवाया होता है। ये देखकर वो तो फिर काफ़ी हैरान होती हैं कि ये भरा किसने रखवाया हो सकता है। हीजू जब शिया को बताता है कि मैं शिंग को नेकलेस देने जा रहा हूँ तो वो इस बात से फिर सैड हो जाता है। बट हीजू का दिया हुआ नेकलेस शिंग एक्सेप्ट ही नहीं करती। याओ ने अपनी बर्थडे पर शिया को इनवाइट किया था बट वो नहीं आता, जस्ट एमी के हाथों उसे गिफ्ट भिजवा देता है। इस बात से वो फिर बहुत दुखी हो जाती है। हीजू ने भी उसे गिफ्ट भिजवाया था और इन दोनों का गिफ्ट सेम ही था, तो वो अब एक गिफ्ट वेट्रेस को देकर वहाँ से चली जाती है। और उसे शिया पे गुस्सा भी था कि उसके बुलाने पर भी वो नहीं आया। दूसरी तरफ शिंग को उसकी फ्रेंड जिंग कॉल करके कल मिलने के लिए बुलवाती है, तो वो फिर नेक्स्ट डे उससे मिलने पहुँची होती है। यहाँ पर वो उससे जानबूझ के एक पेपर पे साइन भी करवाती हैं। एक फैटी बॉय शिंग की इनोसेंस का मजाक उड़ाने लगता है तो ऊपर से हीजू आकर फिर उसे टक्कर का जवाब देता है। अब तो शिंग फिर उसी के साथ ही बड़े मज़े से वहाँ से चली जाती है। हीजू ने आज उसकी हेल्प की थी तो इसके बदले में वो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है और फिर वो बाद में उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाता भी है। हीजू ने शिंग को बता दिया था कि जिस दिन गुंडे उसके पीछे लगे थे तब शिया ने उसे जानबूझकर ही अपने पास आने के लिए कहा था। ये सुनकर शिंग को शिया पे बड़ा गुस्सा आता है और वो फिर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी करने लगती हैं कि उसने मुझसे आज तक इस बात के लिए अपोलोजाइज भी नहीं किया है। चुनैन जो काम के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था वो शिंग को हीजू के पास बैठा देखकर इस बारे में शेन को कॉल करके बता देता है। अब तो शिया को भी पता चल जाता है कि शिंग हीजू के साथ है। शिंग तो वॉशरूम जा चुकी होती है। अब शिया यहाँ पर आ चुका था इसलिए रास्ते में ही उसकी मुलाकात शिंग से हो जाती है। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी। जब वो शिया के क्लोज आती है तो अब शिया खुद पे कंट्रोल खो देता है एंड उसे किस कर बैठता है। वो भी जवाब में फिर उसे ही किस करती है। ये सीन ही जो देख चुका होता है। अब शिया तो फिर वहाँ से एम्बैरस होकर चला जाता है। हीजू फिर शिंग को खुद घर छोड़ने जाता भी है। नेक्स्ट डे शिंग समझ रही होती है कि जैसे कल उसने शिया को नहीं बल्कि हीजू को किस किया था, क्योंकि जाहिर है वो गई तो हीजू के साथ ही थी, सो वो फिर शिया को इमेजिन कैसे कर सकती है। हीजू तो आज बकायदा उसे लेने उसके घर भी आया होता है। यहाँ पर हीजू नोट करता है कि जैसे शिंग को रात होने वाला इंसिडेंट बिल्कुल भी याद नहीं है, सो वो उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने इसी को ही किस किया हो। ऑफिस में शिया शिंग से पूछता है कि तुम्हें मुझसे कोई सवाल तो नहीं करना, बट वो उसे कुछ नहीं पूछती। अब उसे भी पता चल जाता है कि शिंग रात होने वाले वाक्य को भूल चुकी है। शिया फिर बाद में भी उससे पूछता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह दो, बट स्टिल उसे उससे कुछ भी नहीं पूछना था। शिया को फिर पता चलता है कि हीजू ने शिंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए एक पार्टी अरेंज करवाई है।
अब हीजू के मना करने पर कोई भी शिंग को इस पार्टी का नहीं बताता, क्योंकि शिया की कोशिश थी कि शिंग तो पार्टी में ही ना आए, इस तरह हीजू उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं कर पाएगा। अब तो हीजू फिर खुद ही शिंग को लेने आता है और बाकायदा उसे शॉपिंग करवाने भी लेकर जाता है। अब फिर जब पार्टी में सब लोग हीजू के साथ शिंग को देखते हैं तो काफ़ी सरप्राइज होते हैं। शिया तो वैसे ही उसे इसके साथ देखकर काफ़ी सैड हो जाता है। अब सब लोग फायरवर्क्स देखने बाहर जाने लगते हैं। शिंग तो शिया पे इस बात से नाराज़ हो जाती है कि उसने उसे होने वाली पार्टी का बताया क्यों नहीं था। हीजू शिंग को प्रपोज करने ही वाला होता है कि वो तो फिर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में हीजू उसे रोक कर उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, बट शिंग उसे साफ कह देती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। इस बात से हीजू तो फिर सैड हो जाता है। दूसरी तरफ शिया काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है कि कहीं शिंग ने हीजू की फीलिंग्स एक्सेप्ट ही ना कर ली हों। खैर, रात को जो भी हुआ था, हीजू तो शिंग पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला था। फिर नेक्स्ट डे शिया ऑफिस से नहीं आता और फिर शैन के थ्रू शिंग को पता चलता है कि शिया की आज काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वो अब जल्दी से उसे देखने उसके अपार्टमेंट आ जाती है। शिया को तो वाकई में काफ़ी तेज़ फीवर था। अब उसके पास रहकर शिंग ही उसकी केयर करती है। जब वो ठीक हो जाता है तो उसे शिंग के थ्रू पता चलता है कि उसने रात को हीजू के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। अब तो वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोचता है। अब इससे पहले कि वो उसे प्रपोज करता, उसे एक इमरजेंसी कॉल करके ऑफिस आने को कहा जाता है। अब ये दोनों फिर वहाँ पहुँचे होते हैं। शिंग पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसने कंपनी के सीक्रेट्स राइवल कंपनी को देने की कोशिश की है, क्योंकि इसे खुद राइवल कंपनी की इम्प्लॉई जिंग के साथ देखा गया है। जिंग तो शिंग की ही फ्रेंड है जिससे वो मिलने गई थी। इस बात से वो तो फिर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब यहाँ पर शिंग सबको यकीन दिलाने की कोशिश करने लगती है कि मैंने कंपनी का डाटा लीक नहीं किया है, बट सबको उसकी जिंग के साथ ली गई फोटो का पता चल चुका था, सो वो उस पर बिलीव करने को तैयार नहीं होते। अब शिया भी फिलहाल इस मैटर को सॉल्व ना होने तक उसे सस्पेंड कर देता है। हीजू ही फिर शिंग को घर ले जाने लगता है। घर पर शिंग मॉम को ऑफिस में हुई सारी प्रॉब्लम का बता देती है एंड साथ में उनके सामने शिया को भी काफ़ी बुरा भला कहती है कि उसे आखिर मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं है। ऑफिस में शिंग की जगह याओ उसकी हेल्प करती है। एक दफ़ा शिया शिंग को कॉल करने का सोचता है, बट उसका फ़ोन भी उससे ले लिया गया था, सो उसकी शिंग से बात नहीं हो पाती। शिंग तो फिर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिंग की कंपनी आती है, बट उसे पता चलता है कि वो तो वेकेशंस पर गई है। शिंग अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर उससे कैसी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। हीजू एंड शिंग को अब यही लगने लगता है कि इस प्रोजेक्ट को जिसने भी लीक किया है वो स्टाफ का ही कोई मेंबर है और इस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ चंद मेंबर्स को ही पता था। अब इनमें से कौन मुजरिम था बस उसी का ही इन्होंने अब पता लगाना था। फिर बाद में जीजी शिंग से मिलने आती है और वो उसे बताती है कि मैंने गलती से इस प्रोजेक्ट के बारे में एक एडिटर को बता दिया था, बट अभी ये कंफर्म नहीं था कि क्या उस एडिटर ने जाकर ये इन्फॉर्मेशन कंपनी को दी थी। बट फिलहाल शिंग को ऐसा कुछ नहीं लगता, उसे पता था कि मुजरिम ज़रूर कोई और ही है। और बाद में जीजी आकर शिया को ये सब बता भी देती है। अब शिया तो पहले भी जानता था कि शिंग इनोसेंसी है, सो उसने कुछ गलत नहीं किया होगा। शैन ने शिंग को एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कहा होता है, तो शिया जब वहाँ पर आता है तो वो भी उसी के साथ ही जाने लगता है। रास्ते में वो शिंग को बताता है कि उसने उस पर बिलीव इसलिए नहीं किया था ताकि असली गद्दार को लगे कि उस पर कोई शक नहीं कर रहा है। अब गद्दार को पकड़ने का बस एक यही रास्ता था। फिलहाल इन्हें एडिटर कल्प्रिट नहीं लगता, बल्कि कंपनी में से ही किसी पर शक होता है।
एंड पिशिंग मॉम डैड को भी बता देती है कि शिया ने जस्ट प्लान के अकॉर्डिंग ही उसे सस्पेंड किया था। वो अब फिर शिया की इनके सामने काफ़ी तारीफें भी करती हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है। मॉम फिर सोचने लगती हैं कि देखो पहले कैसे उसकी बुराई कर रही थी और अब उसकी तारीफें शुरू। जीजी ऑफिस में से सबको एक कार्ड चूज करने को कहती है कि इसके थ्रू मुजरिम पकड़ा जाएगा। इसके पीछे इनका यही प्लान था कि वो कल्प्रिट जरूर इस कार्ड के बारे में सर्च करेगा कि ऐसा असल में हो सकता है या नहीं। सो उसकी पहचान फिर हमें हो जाएगी। अभी ने उस बंदे का पता चल ही जाता है कि वो असल में शिया का इम्प्लॉई डुंगडुंग ही था और वो फिर आखिरकार इनके हाथों पकड़ा ही जाता है। एंड डुंगडुंग फिर अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है और इन सब से अपोलोजाइज करता है जिनकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। वो जस्ट वेकेशंस पर ही गई थी और शिंग से उसने प्रोजेक्ट के हवाले से कोई बात की ही नहीं थी। सो अब सबको शिंग की इनोसेंस का पता चल जाता है और अब वो फिर से कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। शिया ने शिंग को वापस आने की खुशी में एक गिफ्ट भी दिया होता है जिसे लेकर वो बहुत खुश हो जाती है। इस प्रोजेक्ट के डिले होने पर इन्वेस्टर्स खुश नहीं थे और वो तो शिया को ये कह देते हैं कि वो शिंग को फायर करेगा तो तभी वो इस प्रोजेक्ट में और इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बातें शिंग चोरी चोरी सुन लेती है और फिर काफ़ी सैड हो जाती है। शिया फिर शिंग को लंच कराने भी लेकर जाता है बट इस बात का उसे जिक्र नहीं करता। इन्वेस्टर्स ने अब मनी नहीं दी थी सो इम्प्लॉयज़ को उनकी पे भी नहीं मिलती। अब शिंग तो फिर खुद ही रिज़ाइन देने का डिसाइड कर लेती है। उससे ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा जाता और साथ में वो ये समझती है कि जैसा ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो रेजिग्नेशन लेटर देती है बट शिया तो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। हीजू को जब पता चलता है कि शिंग रिज़ाइन करना चाहती है बट शिया उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब तो वो फिर जानबूझ के शिया से कहता है कि शिंग मेरे कहने पर रिज़ाइन कर रही है, वो मेरी अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है सो तुम उसकी बात मान लो। बाद में वो शिंग से कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में रिज़ाइन करना है तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा। शिया ने तो खैर अब फिर वाकई में शिंग को फायर कर दिया होता है। कंपनी से जाते हुए शिंग फिर सबको गुड लक कह के ही जाती है। हालांकि शिंग अब ऑफिस से चली गई थी बट फिर भी शिया ने इन्वेस्टर्स के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया होता है। वो अब अपनी ही बेस पर कंपनी को स्टार्ट करने का सोचता है। प्रोजेक्ट ख़त्म करने पर शिया को फिर काफ़ी भारी नुकसान भी हुआ था। इस तरह कुछ इम्प्लॉयज़ भी जॉब छोड़कर चले गए थे। अब इतनी बैड सूरत हाल का शिया फिर भी शिंग को नहीं बताता और वो तो शिंग को बहुत मिस भी करता है बट फिर भी वो उसे कॉल नहीं करता। आज हीजू का बर्थडे था तो वो शिंग को अपने साथ शॉपिंग कराने भी लेकर आता है एंड वो फिर उसे बाकायदा अपने घर भी लेकर जाता है। शिंग ने गिफ्ट के तौर पर हीजू को अपना बनाया हुआ केक ही दिया था। याओ तो शिया को भी अपने साथ हीजू की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लाती है। यहाँ पर वो तो हीजू के साथ शिंग को देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है। शिया को पता चलता है कि शिंग ने हीजू को जो गिफ्ट दिया है वो उसका फेवरेट केक ही है। खैर बाद में ये लोग फेरिस व्हील की राइड करने भी जाते हैं। याओ इन्हें बताती है कि ऊंचाई पर पहुंचकर जो भी कपल किस करता है वो हमेशा साथ रहता है। अब शिया जानबूझ के शिंग के साथ ही यहाँ पर आता है एंड ऊपर पहुंचकर वो शिंग को किस भी कर लेता है। यहाँ पर शिंग को थोड़ा सा रियलाइज होने लगता है कि जैसे उस रात भी उसने शिया को ही किस किया था बट उसके पूछने पर शिया फिर उसे कुछ भी नहीं बताता। याओ ने तो अब शिंग को शिया की कंपनी की सारी सूरत हाल का बता दिया हुआ था, इसलिए शिंग फिर जल्दी से वापस ऑफिस में पहुंचती है। वो शिया पे थोड़ा सा एंग्री भी हो जाती है कि उसने आखिर उसे कंपनी की बैड कंडीशन का क्यों नहीं बताया था। अब तो वो फिर दोबारा से इस कंपनी में आने के लिए उसे कह देती है
और शिया को ये भी बता देती है कि जस्ट रिजाइन देने के लिए ही उसने हीजू की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया था। और रिजाइन देने के बाद उसने उसकी कंपनी को बहुत ही ज्यादा मिस भी किया था। और यहाँ पर वो तो उसे ये भी कहती है कि मैं अब कभी भी कंपनी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर शिया तो फिर खुश हो जाता है। याओ ने तो अब शिया को लेकर गिव अप कर दिया था। एंड हीजू को भी पता चल गया था कि शिंग जस्ट शिया से ही लव करती है। यहाँ पर ये दोनों दुखी होकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। और फिर ड्रंक होने की वजह से हीजू एंड याओ के बीच में वन नाइट स्टैंड भी हो जाता है। नेक्स्ट डे हीजू तो फिर अपने होशो हवास में भी नहीं रहता कि वो याओ के साथ क्या कर गया। याओ इस बात को लाइटली लेती है एंड वो फिर उसे ये भी कह देती है कि हमारे दरमियान रात को जो भी हुआ था तुम उसे भूल जाना। दूसरी तरफ ऑफिस में जीजी शिंग को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जीजी के थ्रू उसे पता चलता है कि एमी ने भी रिज़ाइन कर दिया हुआ है। अब कंपनी में बस चंद एक मेंबर्स ही रह गए थे जिन्होंने मिलकर अब काम करना था। सिंह अब इस बात से परेशान होती है कि अभी तक उन्हें कोई न्यू इन्वेस्टर्स क्यों नहीं मिले हैं। शिया उससे अपने रिलेशन की बात करता है बट उसे जस्ट कंपनी की ही फिक्र थी सो वो उसकी बात को आगे से टाल देती है। अब वर्क के बारे में डिस्कस करने के लिए सिंह याओ के पास भी आती है और यहाँ पर याओ उसे बिल्कुल अपनी फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती है। हीजू भी यहाँ आया हुआ था तो वो फिर शिंग से मिलता है एंड फिर उसे साफ कह देता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं मज़ीद तुम्हें तंग नहीं करूँगा। याओ के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद वो तो सिर्फ फिर उसे ही सोचता रह जाता है। पहले उसे लगता था कि जैसे वो शिंग से लव करता है बट वो तो जस्ट उसकी ज़िद थी। अब तो उसे याओ से लव हो गया था। रात को काम करते करते शिया ऑफिस में ही सो जाता है तो शिंग को लगने लगता है कि जैसे कि ये अब ओवरवर्क करने की वजह से ही यहाँ पर सोता है। बाद में शिंग को ये भी पता चलता है कि शिया ने अपना घर बेच दिया है तो वो अपसेट हो जाती है कि अब आखिर ये कहाँ पर रहेगा। शायद इस वजह से ये फिर ऑफिस में सोता रहा है। शिंग ने आज भी शिया को घर ड्रॉप करने का कहा था सो वो उसे ड्रॉप करने आ जाता है। यहाँ पर शिंग उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने कंपनी की खातिर अपना घर बेच दिया है सो मेरी नेबर्स कुछ दिनों के लिए US गई है सो तुम उसकी जगह यहाँ रह सकते हो। वो उसे घर के रेंट का नहीं बताती जो कि वो खुद ही पे करने वाली थी। अब शिया भी इस अपार्टमेंट में रहने के लिए मान जाता है। शिंग ने मॉम को इस सब का बता दिया था एंड साथ में ये भी कहा था कि डैड को शिया के यहाँ रहने का नहीं बताइएगा वरना वो तो फिर गुस्सा ही कर जाएंगे। अब तो मॉम स्पेशल उसे शिया के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाकर दिया करती हैं। शिंग ने शिया को भी अपने फादर से बचकर रहने के लिए कह दिया था कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं तो उन्हें तुम्हारा यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगेगा। एंड उसे फैमिली फ़ोटो दिखा देती है कि अब उन्हें पहचान लो, ये ना हो कि उसकी शक्ल भूल जाना और फिर उनके हाथों चढ़ जाना। ऑफिस में आज शेन शिया से मिलने आई होती है और ये लोग एक साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब बाद में एमी तो फिर से ऑफिस में आ चुकी होती है और वापस आने की खुशी में आज तो वो सबको ट्रीट भी देती है। एंड रात को भी मिलकर ये लोग काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इतने अरसे बाद तो वो मिले थे। अब यहीं पर शिया को डायरेक्टर से एक इन्वेस्टर के बारे में पता चलता है सो वो अब उससे इन्वेस्टमेंट करने की बात करने का डिसाइड करते हैं। रात को घर आते हुए ये दोनों फिर बड़ी मुश्किल से डैड के हाथों पकड़े जाने से बचते हैं। मॉम को तो शिया काफ़ी अच्छा लड़का लगा था सो वो तो अब उसे ही अपना दामाद बनने का डिसाइड कर लेती हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ डैड की ही थी। शिया और शिंग के घर की बालकनी तकरीबन साथ साथ ही थी सो अब यहाँ पर भी ये दोनों बातचीत करते रहते हैं। अब डैड भी बाद में शिंग को शिया के घर जाते देख ही लेते हैं। इससे पहले कि वो उसके अपार्टमेंट में जाते मॉम उन्हें रोक लेती हैं। शिंग और शिया तो अब मिलकर ही अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करने लगते हैं।
यहाँ पर शिया उससे अपने रिलेशन की बात फिर से कर देता है, लेकिन शिंग अभी डेटिंग करने के हक में नहीं थी क्योंकि रिलेशन से ज़्यादा उसकी तवज्जो इन्वेस्टमेंट्स पर थी। बट ये भी बात थी कि वो उसे हद से ज़्यादा प्यार भी करती थी। यहाँ पर ये दोनों फिर एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ डैड को वाकई में शिया का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा था। बट मॉम फिर उन्हें शिया के बारे में बताने लगती हैं कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, सो उसे लेकर तुम्हें अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहिए। शैन तो आज शिया से मिलने उसके अपार्टमेंट आई होती है। शैन जानती थी कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं, अब तो वो यहाँ पर जाओ और हीजू को भी बुला लेती हैं। इन दोनों को तो उनके रिलेशन से अब कोई भी एतराज़ नहीं था। ये सब मिलकर फिर यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। अब रात को शिंग को तो बस शिया के ही सपने आने लगते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब इन लोगों की मुलाकात होती है तो यहाँ पर शिया को पता चलता है कि शिंग जीजी के साथ शॉपिंग करने जाती है, सो वो उसे अपने लिए एक टाई खरीद कर लाने के लिए कह देता है। एक्चुअली में वो जस्ट ये जानना चाहता था कि ये वाकई में शॉपिंग करने जाती है या फिर ऐसे ही मुझसे झूठ बोल रही है। बाद में हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली में शिया ने अपना अपार्टमेंट सेल नहीं किया था, वो तो जस्ट ऐसे ही नाटक करके शिंग के क्लोज रहने लगा था। शिंग फिर शैन को कॉल करके शिया की पसंद का पूछती है क्योंकि वो उसके लिए टाई खरीदने वाली थी। इतनी रात हो चुकी थी तो शिया फिर उसके लिए परेशान होने लगता है। बाद में रेन भी स्टार्ट हो जाती है, सो शिया फिर एंड टाइम पर शिंग को लेने पहुँच ही आया होता है और वो तो बाकायदा उसे अपनी बैक साइड पर बिठा कर ही वहाँ से लेकर जाने लगता है। यहाँ पर शिंग शिया से ये भी कहती है कि पहले वो काफ़ी ज़्यादा रूड हुआ करता था, कि उस तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है और वाकई में शिया अब पहले से काफ़ी चेंज भी हो गया था। ही जो अब याओ के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था बट वो तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। TIG कंपनी की एनिवर्सरी थी तो फिर शिया को सारे कॉलीग्स मिलकर सरप्राइज पार्टी देते हैं। इस बात से वो बहुत खुश होता है और ये सब शिंग ने ही अरेंज करवाया था। शिया शिंग को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी ही यू शिंग को कॉल करके कल मिलने के लिए बुलवाता है। इस बात से शिया तो फिर काफ़ी जेलिस फील करता है। फिर नेक्स्ट डे शिया मिस्टर किन से मिलने आता भी है बट वो तो अपनी कंपनी में ही नहीं थे। शिंग ही यू से मिलने आई होती है और एक्चुअली में ही यू ने जानबूझकर शिया को जेलिस फील कराने के लिए ही उसे मिलने के लिए बुलवाया था और रात को वो खुद ही उसे घर ड्रॉप करने भी आता है। शिया बाहर खड़ा उसी के आने का ही वेट कर रहा होता है। ही यू शिंग को मिस्टर किन के बारे में बताता है कि अगर उस तक पहुंचना है तो पहले उसकी बेटी को इम्प्रेस करना पड़ेगा, उसको कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी बाकायदा एक कॉमिक्स से रिलेटेड शॉप भी है। वो तो अब वहाँ से चला जाता है और शिया शिंग से यू लेट आने का रीज़न पूछता है जो कि वो उसे कुछ नहीं बताती और बाद में वो मिस्टर किन के बारे में उससे डिस्कशन करती हैं। ये दोनों मिलकर अब फिर मिस्टर किन तक पहुंचने के रास्ते ढूंढने लगते हैं और साथ में काफ़ी सारे प्लान्स भी बनाते हैं। शिंग की एक कैफ़े में मिस्टर किन की बेटी से मुलाकात हो ही जाती है और उसे पता चलता है कि ये एक कॉस्ट्यूम पार्टी करवा रही है, तो वो भी शिया को उसके फेवरेट कॉमिक आर्टिस्ट की तरह गेटअप करवा कर उसे पार्टी में लेकर पहुँची होती है। और यहाँ पर उसके थ्रू इन्हें पता चल जाता है कि आखिर मिस्टर किन इस वक्त कहाँ है। अब तो शिया जल्दी से शिंग को गुड बाय कह कर फिर वहाँ पर जाने लगता है और फाइनली उसकी मुलाकात मिस्टर किन से हो ही जाती है। मिस्टर किन को एक प्रॉब्लम थी, वो एक फ़ोटोग्राफ़र का पीछा अपनी वाइफ से छुड़वाना चाहते थे, जो कि इस वक्त शिया उस फ़ोटोग्राफ़र को ख़रीद कर उनकी हेल्प कर देता है। इस बात से वो उसे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि मेरी बात तो इसने मानी नहीं थी, आशिया की देखो कैसे मान ली। अब वो इसके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाते हैं। अब शिंग को एमी से पता चल जाता है कि शिया जिस घर में रहता है उसने उसे नहीं बेचा बल्कि अपने किसी और घर को सेल किया है। वो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होती है एंड अब वो तो एमी और जीजी को लेकर शिया के उसी अपार्टमेंट पहुँची होती है।
टिंग ने शिया से झूठ बोलने का बदला लेने के लिए उसके पूरे घर को ही पिंक कलर के स्टफ के साथ डेकोरेट कर दिया होता है। रात को शिया फिर शिंग को कॉल करके बता देता है कि मिस्टर किन उनके साथ बिजनेस करने के लिए मान गए हैं। दूसरी तरफ हीजू को पता चलता है कि याओ ने कंपनी से रिजाइन कर दिया है, तो वो फिर इस बात पर सैड हो जाता है। शिया और मिस्टर किन अब अपने कंट्री वापस आ चुके होते हैं। शिया के प्रोजेक्ट का हेड मिस्टर किन ने जहंग नामी गर्ल को बना दिया था। अब एयरपोर्ट पर शिंग शिया को पिक करने आई होती है और यहाँ पर वो तो उसे हग भी कर लेती है। शिया जब ऑफिस पहुँचता है तो सभी स्टाफ उसका वेलकम करता है। यहाँ पर शिंग ने शिया को झूठ बोल दिया था कि जिस अपार्टमेंट में तुम रहते थे उसकी साफ सफाई हो रही है, तो अब तुम्हें कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। शिया फिर अपने घर वापस आ जाता है और वहाँ हर चीज़ को पिंक कलर में देखकर वो समझ जाता है कि ये सारा किया धरा शिंग का ही होना है। इसका मतलब मेरा झूठ पकड़ा जा चुका है। अब शिंग वहाँ आकर उससे यूं घर के बेचने वाला झूठ बोलने का रीज़न पूछती है, तो वो उसे यही कहता है कि मैं बस तुम्हारे क्लोज रहना चाहता था, इसलिए मुझे वो सब नाटक करना पड़ा। अब घर को पहले जैसा करने के बदले में शिंग उसे पिंक ड्रेस पहनाकर उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। सब लोग तो शिया की ऐसी फ़ोटो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। फिर बाद में शिंग ही जहंग को पिक करने जाती है और फिर हमें पता चलता है कि जहंग तो असल में शिया की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। बाद में वो शिया को उसके ऑफिस में आने का बता देती है एंड यहाँ पर ये दोनों तो फिर किस भी कर लेते हैं। ऑफिस में आते ही जहंग ने शिया को हग कर लिया था। इस बात से सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अब शिया तो जहंग से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे कह देता है कि शिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। वो फिर अपने प्रोजेक्ट वगैरह में हेल्प करवाने के लिए जानबूझकर शिंग को अपनी हेल्पर बनवा लेती है और वो बाकायदा उसे फिर ऑफिस का स्टफ लाने के लिए मॉल भी भेज देती है। हीजू ने शिया को बता दिया था कि वो या उसे लव करता है। वो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होता है। अब वो तो उसकी उल्टी सीधी हरकतें जानता था, सो इसलिए वो फ्यूचर में उसे याओ का ख्याल रखने के लिए कह देता है। हीजू को पता चल गया था कि इस वक्त याओ कहाँ है, सो वो अब उससे मिलने जाने का डिसाइड करता है। यहाँ आने पर जहंग ने सबको ट्रीट भी दी होती है। शिंग को भी पता चल जाता है कि जहंग शिया को पहले से ही जानती है। यहाँ पर जहंग तो शिया के बहुत क्लोज आने की कोशिश करती है। इस बात से शिंग फिर काफ़ी जेलिस फील करती है, बट फिर भी उसे शिया पे बिलीव था कि वो उसे जहंग की खातिर कभी नहीं छोड़ेगा। एंड अब ये दोनों मिलकर खाना खाने भी जाते हैं और एक साथ में काफ़ी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ ही यू साहब आखिरकार याओ तक पहुँच ही गए होते हैं। जहंग ने तो अब ग्रैंडमा के थ्रू शिया तक पहुंचने का प्लान बना लिया था, क्योंकि वो खुद तो उसे कोई भाव नहीं दे रहा था। वो ग्रैंडमा को शिया से ब्रेकअप करने का रीज़न अपने इल होने का बताती है। अब वो उनसे ये भी कह देती है कि वो जैसे तैसे करके उसका शिया से पैचअप करवा दे। ग्रैंडमा उसे फिर अपने घर खाने पर इनवाइट करती हैं। जहंग तो शॉपिंग करने के लिए अपने साथ बाकायदा शिंग को लेकर जाती है एंड उसे बता देती है कि मैं शिया की ग्रैंडमा से मिलने जा रही हूँ। शिया को भी पता चल गया था कि जहंग अब उसकी ग्रैंडमा के घर गई है, तो वो भी अब वहाँ पहुँचा होता है। ग्रैंडमा तो शिया को अपने स्टेटस वाले लोगों में ही शादी करने के लिए कहती हैं, बट वो तो उनकी बातों पर कोई फोकस नहीं करता और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। ऑफिस में शिंग को गेम खेलने में दिक्कत हो रही होती है, तो शिया आकर फिर उसे गेम सिखाता है। जहंग की सोशल मीडिया पर लगाई गई पोस्ट से शिंग को पता चल गया था कि कल डिनर पे शिया भी गया था। वो इस बात से सैड हो जाती है। अब वो तो फिर उससे नाराज़ भी हो गई थी। तो रात को शिया उसे मनाने पहुंचा होता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात शिंग के डैड से भी हो जाती है। उन्हें गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो तो शिया की गाड़ी को देखकर ही उससे इम्प्रेस हो जाते हैं।
एंड अब तो उन्हें इनके रिलेशन से कोई एतराज नहीं रहा था। अब फिर वो शिंग से मिलने जाता है एंड उससे अपोलोजाइज करता है कि उसने उसे ग्रैंडमा के पास जाने का नहीं बताया, और साथ में जहंग के बारे में भी उसे सारा कुछ बता देता है। एक्चुअली में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन ही वो उसे छोड़कर चली गई थी। अब फिर उसकी शिया से नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। याओ की कोइंसिडेंटली शिंग से भी मुलाकात हो गई होती है एंड यहाँ पर वो उसे अपने साथ खाने पर इनवाइट करती है। सो रात को शिया एंड शिंग उनकी प्लेस पर पहुँचे होते हैं। अब याओ इन सबको बता देती है कि उसने हीजू की फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली हैं, और ये सब लोग मिलकर यहाँ पर खूब सारा इन्जॉय करते हैं। शेन भी अपनी फैमिली के साथ ही यहाँ पर आई हुई थी। जहंग तो शिया को खुद की तरफ तवज्जो करने की बहुत ट्राई करती है, बट वो तो उसके ट्रिक्स में अब बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। अब बदले में वो शिया को अपनी बनाई हुई रिपोर्ट दिखाती है जिसमें उसने यही लिखा था कि मिस्टर किन को TIG कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो शिया से कहती है कि अगर वो ग्रैंडमा के बिजनेस को संभाल ले और मुझे अपना ले तो तभी मैं अपनी रिपोर्ट को बदल सकती हूँ। शिया को भी पता चल जाता है कि जहंग अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में मिक्स कर रही है। ग्रैंडमा की कंपनी में वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन्हें अब वाकई में किसी के सहारे की ज़रूरत थी। टेम्परेरी उनकी हेल्प करने के लिए शिया वापस उनके पास आ भी जाता है। जहंग भी यहाँ पर पार्टी में आ चुकी थी। शिंग की भी यहाँ एंट्री हो चुकी होती है। इसके सामने जहंग जानबूझ के शिया के क्लोज आ जाती है, पर शिंग को शिया पे बिलीव था और वो यहाँ पर सबके सामने उसे किस भी कर लेती है एंड सबको बता देती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। खैर पार्टी में अचानक ही ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो चुकी होती है। अब शिया तो TIG कंपनी में कुछ वक्त के लिए नहीं आने वाला था, सो उसके पीछे शिंग को ही सब संभालना पड़ता है। शिंग का बर्थडे आ गया होता है, सभी उसे गिफ्ट देकर विश करते हैं, बट इस टाइम सिर्फ वो शिया के साथ ही सेलिब्रेट नहीं कर पाती, जिसके लिए वो उसे सॉरी भी बोलता है, बट साथ में उसके लिए बाकायदा गिफ्ट भी भेजता है, जिसे देखकर वो तो फिर खुश हो जाती है। अब बाद में शिंग हॉस्पिटल में शिया को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने आती है। अब रिपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद थे तो इनके सामने शिया उससे थोड़ी लिमिट में रहकर ही बात करता है, ताकि लोग बाद में शिंग को उसकी गर्लफ्रेंड होने पर बातें ही न सुना दें। अब शिंग ने अपना सारा फोकस सिर्फ वर्क करने में ही लगा दिया होता है। बाद में शिया जब शिंग से मिलने ऑफिस आता है तो वो वहाँ पर उसे बेहोश पड़ी मिलती है। उसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब ओवरटाइम करने की वजह से ही हुई थी। अब हॉस्पिटल में शिंग को पता चलता है कि ग्रैंडमा ने अपनी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेन को दे दी है। अब तो शिया का TIG कंपनी में वापस आना बनता था। शैन तो बहुत खुश होती है कि ग्रैंडमा ने उस पर बिलीव करके ही जिम्मेदारी उसे सौंपी है। शिया का अब मिस्टर किन से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका होता है। जहन ने बहुत कोशिश की थी कि वो शिया का काम ख़राब कर दे, बट मिस्टर किन ने उसे ये करने ही नहीं दिया था क्योंकि वो शिया के वर्क पे ज़्यादा सेटिस्फाई थे। जहन गुस्से में अब शिंग को ही क्रिटिसाइज़ करने लगती है कि उसका आर्शिया का कोई मैच नहीं है। ऊपर से शिया आकर शिंग की ही साइड लेता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड अब तो सबको पता चल गया था कि शिंग और बॉस डेट कर रहे हैं। शिया ने अब शिंग को प्रपोज करने का डिसाइड कर लिया था। वो एक बहाने से उसे रेस्टोरेंट बुलवाता है और फिर रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज भी करता है, और फिर इसी के साथ ही ये सीन कट हो जाता है। एंड फिर बाद में हमें पता चलता है कि शिंग ने एक्चुअली में शिया की दी हुई रिंग एक्सेप्ट ही नहीं की थी। इधर हीजू की भी याओ को लेकर कोई दाल नहीं गल रही थी, तो वो काफ़ी अपसेट होता है। यहाँ पर याओ को बचाने के चक्कर में हीजू खुद को ज़ख्मी कर बैठता है। याओ तो इस बात से उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है एंड वो अब उससे शादी करने को तैयार थी। बाकी अब शिया रह जाता है। खैर शिया ने अब शिंग के बगल वाले अपार्टमेंट को बाय कर लिया होता है। इस बात से वो तो काफ़ी खुश होती है।
बाद में मिस्टर किन शिया से कहते हैं कि शिन को हमारे स्टार्ट होने वाले प्रोजेक्ट से निकाल दो, बट वो उनकी बात नहीं मानता और शिन को लेकर फिर उनके ऑफिस आकर उन्हें साफ कह देता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो शिन को यहाँ से कहीं नहीं निकालने वाला। इस बात से मिस्टर किन बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। उनसे ये सब कहलवाने का आइडिया शिन का था, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर शिया उस पर कितना ट्रस्ट करता है, और वो टेस्ट में पास हो चुका था। और ऐसा करने पर वो फिर उससे अपोलोजाइज भी करती है, एंड यहाँ पर शिया उसे माफ़ करके किस भी कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें हीजू एंड शिया की वेडिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। शिन और याओ अपने अपने डैड्स के साथ फिर वहाँ पर आती हैं और इनके डैड्स इनके हाथ फिर ग्रूम्स के हैंड्स में देते हैं। ये दोनों कपल्स पहले एक दूसरे के साथ रिंग्स एक्सचेंज करते हैं एंड फिर बाद में किस भी कर लेते हैं। और आज के दिन सभी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी लग रहे होते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली शिया ने अपना लव पा ही लिया था। अब नेक्स्ट हमें सिर्फ शिया एंड शिन की बेबी प्लानिंग का सीन दिखाया जाता है, और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।